हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कैमी टॉक्स फुटबॉल। और आज के रिव्यू में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। चलो फटाफट शुरू करते हैं। बट अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो तुम लोगों को पता है क्या करना है भाई। सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है अपने फुटबॉल बडीज़ के साथ। हम लोग 600 सब्सक्राइबर के थोड़े करीब है, तो फटाफट से करवा दो यार, बंदा बहुत तड़प रहा है 1K के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रियल मैड्रिड वर्सेस आरसीडी मलोर्का भाई, 4-1, 4 गोलों से रौन दिया रियल मैड्रिड ने। अब देखो यार, जिसने ये मैच नहीं देखा होगा ना, वो एक ही बात बोलेगा कि भाई रियल मैड्रिड ने पूरी तरह गेम डोमिनेट किया है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा, रियल मैड्रिड ने गेम डोमिनेट किया है, बट मलोर्का ने एक टाइम पे गुद्दी पकड़ ली थी रियल मैड्रिड की। मतलब कुछ 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए मलोर्का एक सुपीरियर लेवल पे आ गई थी, जहां पर रियल मैड्रिड को फिर दिक्कतें हो रही थी उनको संभालने के लिए। तो फटाक से इस मैच के रिव्यू में घुसते हैं। लाइनअप से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मलोर्का एक डिफेंसिव, मतलब पीछे 5 डिफेंडर्स के फॉर्मेशन में आई थी, 5-3-2 वाले फॉर्मेशन में आई थी मलोर्का यहाँ पर। और उसकी क्या रीज़न है, उसके 2 रीज़न है, वो भी तुम लोगों को बता देता हूँ मैं। अटैक के हिसाब से उसका ये रीज़न है कि उनका जो फॉरवर्ड है मुरीकी भाई, वो खड़ा हुआ टावर है। उसकी हाइट तुम लोग देख लो कितनी ज़्यादा है, और लालीगा में उसने सबसे ज़्यादा एरियल ड्यूल्स मैच करे हैं, वॉन करे हैं। तो वो क्या था कि अगर 5 डिफेंडर्स पीछे रहेंगे तो उनकी जो विंग बैक्स है वो मुरीकी को सेट पीस बनाएंगे पीछे से। और वही हमने देखा मैच के पहले सेकंड्स में ही, उनके जो पीछे के प्लेयर थे वो लॉन्ग बॉल्स डाल रहे थे मुरीकी की तरफ, और उनका जो आगे का दूसरा फॉरवर्ड था, कोई तो कोरियन फॉरवर्ड था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, उसके तरफ। अब अगर डिफेंसिवली मैं बात करूं वो बैक 5 फॉर्मेशन की, कि वो बैक 5 फॉर्मेशन उन्होंने क्यों रखी थी डिफेंसिवली, तो वो उन्होंने रखी थी डीप ब्लॉक खेलने के लिए। देखो यार, हमारे पास विंगर्स है विनीशियस जैसे, तो उसको अगर आपको रोकना है तो आपको स्पेसेस को कम करना पड़ेगा, स्पेसेस को क्लॉट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि रफीना के ऊपर 2-2 डिफेंडर्स जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने और भी मुश्किल कर दिया था। जब पीछे 5 डिफेंडर रहेंगे और एक मिडफील्डर पीछे ड्रॉप करेगा, तो तुम लोग समझ लो कितनी भीड़ हो जा रही है, कोई भी स्पेस बचेगा ही नहीं। तो वो लोग डीप ब्लॉक खेलने में गए थे। ये थे 2 रीजन उनके बैक 5 के फॉर्मेशन में जाने के। और मैं बोलूं ना, बहुत हद तक ये सही भी हो गए थे। पहले पहले हाफ में रियल मैड्रिड, मतलब पहले तो उन्होंने चांसेस बनाना शुरू किए, पूरे गेम में उन्होंने 2 ही शॉट लिए और दोनों भी बहुत थ्रेटनिंग थे। पहला जब थिबो कोर्तुआ ने सेव किया, और दूसरा जो कि गोल गया। अब देखो यार, रियल मैड्रिड धीरे धीरे पकड़ बना रही है, तुमको पता है मैड्रिड कैसा खेलती है, पहले धीरे धीरे पकड़ बनाती है गेम पे, अपनी बॉडी हीट अप करती है वो करती है, और फिर भाई अटैक बनता है और गोल जाता है। लेकिन आज प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो फॉरवर्ड है करीम बेंजिमा वो नहीं थे, तो भैया अलग ही डर लग रहा था कि अब क्या होगा, हजार्ड उतना कर पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल वो नए नए प्लेयर है, मतलब नए नए प्लेयर पुराने हैं, अभी अभी इतना लंबा मैच खेल रहे हैं तो उनको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो फॉल्स नाइन जैसा खेल रहे थे। तो गाइस एक टाइम तक ना मलोर्का इस चीज़ की वजह से चल रही थी, मतलब थ्रेट क्रिएट कर रही थी। अब अगर हम बात करें ना पहले गोल की, तो वहाँ रियल मैड्रिड की बहुत बड़ी गलती है। किसी को समझ नहीं आया कि जब मुरीकी इतना बड़ा टावर है और वो इतना बड़ा सांड है, तो उसके ऊपर कोई बड़ा डिफेंडर खड़ा करो, रुदिगर खड़ा करो, अलाबा खड़ा करो, कोई डिफेंसिव मिडफील्डर, तुम्हारा डिफेंसिव मिडफील्डर तो था ही नहीं, क्रूज खेल रहा था डिफेंसिव मिडफील्डर, तो उसे किसी को बड़े डिफेंडर को, बड़े बंदे को वहां खड़ा करो। वो खड़ा किया भी तो उन्होंने मेंडी को, है ना, ऊपर से मेंडी भैया ने भी कुछ हाथ नहीं हिलाया, वो तो हिला भी नहीं मेंडी, मतलब उसके साथ कूदा भी नहीं है। हाँ उसको रोक के रखा था थोड़ी देर तक, बट वो मुरीकी है भाई, टावर इतना बड़ा, उसने आराम से उठ के हेडर ले लिया और रियल मैड्रिड के खिलाफ पहला गोल पड़ गया, जैसा हमेशा होता है। कोर्तुआ भैया को क्लीन शीट मिलने से रही हमारे कमबैक वाले इसमें, तो रियल मैड्रिड के खिलाफ पहला गोल पड़ गया और वहां से टेंस सिचुएशन शुरू हुई और मलोर्का का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया। अब देखो यार, तुम लोग बोलोगे मैच में बहुत ज्यादा चारों भी गोल बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट मुझे फेदे वालवर्दे का गोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि उसने मलोर्का का जो कॉन्फिडेंस बन रहा था, जो वो बन रहा था, वो होता है ना कि अंदर से नहीं हम जीतेंगे, वो जीतेंगे, ये जीतेंगे, इनके ग्राउंड पे आके जीतेंगे, वो तोड़ा है फेदे वालवर्दे ने। हमारे फ्यूचर कैप्टन ने, हाँ हमारा फ्यूचर कैप्टन ने अपने हाफ से बॉल उठाया, उसको 2 प्लेयर से ड्रिबल पास करते हुए अपने वीक फुट से टॉप कॉर्नर गोल मारा। क्या ही गोल था भाई,
क्या ही गोल था, गोल ऑफ द सीजन के कंटेंडर्स में से ये गोल आना चाहिए। अब तो मैं बोलता हूं नहीं आए तो भाई नाइंसाफी हो जाएगी फेदे वालवर्दे के साथ, बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, और वो गोल उन्होंने कब मारा था, 47th मिनट पे, जिसकी वजह से मलोर्का के प्लेयर्स और डाउन हो गए, क्योंकि हाफ अभी होने ही वाला है और भाई इस तरीके का गोल हमने खा लिया इतना डिफेंड करने के बाद, इतनी अच्छी लीड लेने के बाद, तो होता है यार एक मेंटली प्रेशर बढ़ता है। तो देखो यार सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, गेम जैसे का वैसा चल रहा है, रियल मैड्रिड कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही है, मलोर्का पीछे से अटैक और डिफेंस में विनीसियस को रोकने की कोशिश कर रही है, चल रहा है ओके। तो फिर सब्स्टिट्यूशंस होता है, फेदे वालवर्दे सेंटर मिडफील्डर से राइट विंग पे चले जाते हैं उनकी फाइनल वाली फॉर्मेशन पोजीशन, और मॉड्रिच आ जाते हैं भैया मिडफील्ड में, कामाविंगा आ जाते हैं मिडफील्ड में, हजार्ड बाहर आ जाते हैं और रोड्रिगो को एज अ नंबर 9 मतलब फॉल्स 9 जो भी तुम कहो वो खिलाया जाता है। अब अगर मैं कहूँ ना तुमको तो मुझे ऐसा लगता है कि रोड्रिगो की पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए, उसको राइट विंग पे से लेफ्ट पे तो विनीसियस खेलता है, तो आई थिंक सो कि इसको फॉल्स 9 ही खिलाए कार्लो एंचेलोटी आगे, अभी तक अगर जब तक बेंजिमा नहीं है तो। वो बंदा बहुत मूव करता है फील्ड पे यार, वो राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, उसका हीट मैप तुम लोग देख लो, वो वैसा ही बंदा है, बहुत मूव करता है वो बंदा पिच पे। तो क्या होता है, रोड्रिगो और विनीसियस भाई कंबाइन करते हैं द ब्राजीलियन सांभा, हमारे विंस में दौड़ रहा है रियल मैड्रिड के ब्राजीलियन सांभा, वो दोनों कंबाइन करते हैं रोड्रिगो की बहुत प्यारी बॉल कैरिंग और ड्रिबलिंग, और वो पास करते हैं विनीसियस को और विनीसियस फिनिश करते हैं गोल। अब देखो यार ये जो गोल था ना, इसके बाद टेंशन और बढ़ गई थी विनीसियस के, तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे मलोर्का के प्लेयर्स के साथ, और क्यों ना हो, क्योंकि मलोर्का फ्रस्ट्रेट हो गई थी इतना खेल के, जब तुम आखिरी में ऐसे गोल्स कंसीड करते हो तो बहुत बुरा लगता है। रियल मैड्रिड ने 80 मिनट तक कोई गोल नहीं मारे थे, 80 मिनट ही शायद से, उसके बाद उन्होंने 3 गोल मारे हैं, तो सोचो फ्रस्ट्रेशन लेवल कहां होगी, पार होगी। तो विनीसियस के झगड़े हो रहे हैं, लेकिन एंचेलोटी इसको बोलते हैं कि भाई ध्यान रख, गेम पे सिर्फ ध्यान दे, और विनीसियस भाई चिल्ला रहा है पब्लिक को कि करो करो भाई, चिल्लाओ और चिल्लाओ। ओ वो अलग ही फीलिंग होती है अगर मैं तुम लोगों को सीधा सीधा बोलूं। आते हैं हम तीसरे गोल की तरफ, भाई रोड्रिगो यार, भाई अनकारा रोड्रिगो हो गया भाई, अनकारा रोड्रिगो पूरा भाई ड्रिबलिंग करते हुए लाए, डिफेंडर्स को धूल चटाई और फिर गोल मारा है। देखो यार रोड्रिगो भी अब मतलब निकल के आ रहा है, निखर के आ रहा है जैसा, उसको मेरे को तो इस पे पहले से भरोसा था। रियल मैड्रिड ने बीच में मतलब उसको गेम टाइम नहीं मिलने की वजह से लोन पे भेजने का सोचा था, लेकिन फिर भाई वो प्रूव कर रहा है कि वो फर्स्ट टीम में आना क्यों डिजर्व करता है। एंटोनियो रुदिगर ने अपना पहला गोल मारा, 4th गोल मार के, और भाई अल्हम्दुलिल्लाह सजदा किया, बहुत अच्छा लगा कि रुदिगर को अपना पहला गोल मिला इस वाइट शर्ट में। बहुत दिनों से हमने चेल्सिया के लिए उनको लास्ट टाइम गोल मारते देखा था, और रियल मैड्रिड के लिए उनका पहला गोल, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। प्लेयर्स की मैं बात करूँ, सब बापते फेदे वालवर्दे, एडन हजार्ड हैज अ डिसेंट गेम, बुरा गेम नहीं था एडन हजार्ड का, हाँ कोई गोल असिस्ट उनको मिल नहीं पाया, वो एक बुरी बात लगी मुझे। अब अगर हम लोग बात करें डेनिस सेबेलोस की, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये बंदा सही में स्टे करे, इसको एक्सटेंड करवाओ, क्योंकि डेनिस सेबेलोस अटैक में बहुत ज़्यादा कल मिले हुए थे मैंने देखा, और मेरे हिसाब से तो देखो MOTM मैन ऑफ द मैच विनीसियस को मिला, बट मेरे हिसाब से वो मिलना चाहिए था रोड्रिगो को, बिकॉज जो दो मेन गोल थे उसमें रोड्रिगो का बहुत बड़ा हाथ था, पहले असिस्ट में रोड्रिगो पूरा ड्रिबलिंग करते हुए लेके गया विनीसियस को पास दिया, हाँ मिन्नी की बेहतरीन फिनिशिंग थी वहाँ पे, बट आई थिंक के रोड्रिगो का जो सेकंड गोल था उसको भी नज़र मद्देनजर रखते हुए रोड्रिगो को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। अब इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ये मैच में मज़ा आया यार, इमोशंस फिर से हाई लो हुए। अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, हाँ पता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, अगर तुम लोग यहाँ तक के हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।